जली वगली ये अपडेट के बारे में बात करूँ एलविस यादव के बारे में। एलविस यादव का ना सिस्टम क्लोदिंग करके एक इंस्टाग्राम अकाउंट था जो कि अभी डिलीट हो चुका है क्योंकि बहुत सारे लोग रिपोर्ट किया है ऐसा एलविस यादव का कहना है। इसके बारे में वो क्या कहे आप खुद देखिए। गाइस मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। जो अपना सिस्टम क्लोदिंग वाला पेज था भाई वो रिपोर्ट मार के उड़ा दिया तो दूसरा बनाना पड़ा मेरे को। वो वाला अपना चला गया भाई सिस्टम क्लोदिंग का जो इंस्टाग्राम का पेज था उस पर 1,00,000+ फॉलोअर्स थे सारे उड़ गए। तो एक तुम्हारे भाई की रिक्वेस्ट है छोटी सी, बहुत मस्त मस्त चीजें आने वाली है सिस्टम क्लोदिंग पे, यहाँ पे क्लिक करके भाई फॉलो कर लो वापस से यार, अपडेट मिल जाएंगी सारी। जो जो मेरे भाई बंधु प्लीज कर लो इस और इसको बचा के रखूंगा मैं। अच्छा वो जो छत्तीसगढ़ में मीटअप रखे थे रिसेंटली, ठीक है वहीं पे ना भाई एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ उसी के बारे में वो बताया अपने रिसेंट व्लॉग में। आप देखिए घटना बताता हूँ, पहले मैं सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ भाई। कल मैं जो मीटअप में था मेरे पे अभी न्यूज आई छत्तीसगढ़ से, जैसे हमारा काफिला से चल रहा था 10-15 गाड़ियों का स्टार्टिंग में जब हम एयरपोर्ट से होटल जा रहे थे, बीच में एक गाड़ी आई स्विफ्ट, उसमें बच्चे थे हायलो कर रहे थे, मैं हायलो कर रहा था वीडियो वाडियो बना रहा था, बहुत तेज चला रहे थे, बहुत तेज का मतलब समझ यूं सांप बना रहे थे कि पता नहीं क्यों बना रहे थे, कभी आगे कभी पीछे। वो भाई पलट गई गाड़ी, किसी दूसरी गाड़ी में टक्कर खा गए मेरे को नहीं पता, मैं तो इधर हूँ ना समझदारी क्यों ना चला भाई। मैं वही कह रहा था, मेरे को तो बड़ी शॉक हुआ मैं बड़ा देख के, कि मैंने बोला कह रहे गाड़ी ठुक गई, मैंने कि गाड़ी ठुक गई मतलब एक जो मर्सिडीज GLS थी वो भी ठुक गई, किसी क्रेटा वाले ने हमारी गाड़ी में टक्कर मारी मर्सिडीज में, वो तो चलो चलती रहे मैं ठुकाई, पर पलटना इज वे मोर लेवल अप समझ रहे।